यहाँ पे भाभी जी कुंवर साहब के जस्ट बगल में ही खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे वो उनसे काफी दूर हो जाती है। यार इतनी बड़ी हवेली के इतने सारे लोगों के बस इतना ही सामान नहीं, मतलब कुछ और भी लोग हैं जो सामान ला रहे हैं, लेकिन फिर भी सामान कम है भाई, क्योंकि जब ये लोग जा भी रहे हैं तब गाड़ियों में भी उतना सामान पड़ा नहीं है। नहीं पड़ा। मेरे अंदर सचमुच का सिक्स सेंस है। भाई ये बंदा ना मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब जिस तरह से हंस रहे और जिस तरह से घूर रहे ना, कुछ तो गड़बड़ है भाई। नहीं 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 यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, क्योंकि रीत जब से वहाँ बैठी हुई थी तब से उसी को घूर रहा है भाई वो, ये पक्का कुछ गड़बड़ है। जब से मूवी स्टार्ट हुई है तब से रूहान के पास सिर्फ एक ही बैग है जो उसने पीछे टंगा रखा है, लेकिन एकदम से यहाँ पे उसके पास एक सूटकेस भी आ जाता है भाई, पता नहीं कहाँ से। अभी रीत का फोन गिर के टूट गया है और 1/2 हो गया, मतलब दो पीसेस में बट गया है। लेकिन जैसे ही वो फोन उठाती है भैया, फोन तो मस्त सिंगल पीस में, और ऐसा भी नहीं है कि उसने फोन उठाते उठाते दोनों पीस को जोड़ दिया है, क्योंकि देख लो भाई वो एक ही हाथ से फोन उठा रही है, और जब वो फोन उठा रही है तो फोन ऑलरेडी सिंगल पीस में ही है। ये रीत की भाभी अभी मतलब प्रेजेंट में ऐसी दिख रही है, और ये रीत की भाभी 18 साल पहले, मतलब मानना पड़ेगा यार क्या मेंटेन किया है भाभी ने, मतलब देख के लग ही नहीं रहा कि दोनों फोटोज के बीच में 18 साल का गैप है। तुम्हारे पापा ठाकुर विजेंद्र सिंह। ऐसे धीरे धीरे करके रूहान रीत को उसकी पूरी कुंडली बता देता है उसका फेसबुक अकाउंट देख के, लेकिन उसको वो ये बोलता है कि मेरे अंदर सिक्स सेंस। पर चल वो उसको उसकी नॉर्मल डिटेल्स बता भी दिया कि पापा क्या करते तुम क्या करती हो, वहां तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन अभी एक मिनट पहले ही रूहान इसको फोन देकर ये बोलता है कि तुम्हारे घर वाले टेंशन में होंगे, ये लो अपनी भाभी से बात कर लो। कैसे पता मेरी भाभी के बारे में? नहीं तो भाई रूहान को उसकी भाभी का कैसे पता चला कि वो अपनी भाभी को ही फोन करने वाली, मतलब कोई फेसबुक में इतना डिटेल में थोड़ी लिखता है। नहीं, जनरली आदमी कैसे बोलता है कि तुम्हारे घर वाले एकदम टेंशन में होंगे, ये लो अपने पापा से बात कर लो या अपनी मम्मी से बात कर लो, लेकिन ये बोला भी एकदम भाभी है सीधा। अभी रीत ने हाथ में फोन पकड़ रखा है, उसका स्क्रीन ऑफ है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे स्क्रीन तो ऑन है भाई, और फिर अगले ही पल वापस से स्क्रीन है ऑफ। क्या बात। और भाई ये वाला ग्लव्स पहन के फोन यूज कैसे कर रही है, क्योंकि जितना मेरे को पता है ये ग्लव्स पहनने के बाद फोन तो काम ही नहीं करता है। यहाँ पे रीत ने अपने बैग को चेयर के राइट साइड में टंगा रखा है, लेकिन वही अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे उसका बैग तो लेफ्ट साइड में टंगा हुआ है। अभी यहाँ टेबल पे कोई भी चम्मच नहीं रखा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। अभी इसके कैमरे का जो लेंस है वो बाहर निकला हुआ है, लेकिन अगले ही पल भाई लेंस अंदर घुसा हुआ है। यहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो गया है और रीत टेलीफोन से अपनी बहन त्रिशा से बात कर रही है। नहीं काय को भाई, भाभी को तो रूहान के फोन से फोन करी थी ना, तो उसी से करना बात। अरे कहाँ जा रही हो, अंदर जाओगी तो सब पहचान। भाई ये गेट लिटरली खुला हुआ है, नहीं मतलब ये हवेली में घुसने का मेन गेट है, और ये हवेली इतनी खतरनाक है भाई, कम से कम एक ताला ही लगा देते हैं यहाँ पे। देखो वहाँ कैसे ताला लगा हुआ है, यहाँ कैसे जाएंगे, कैसे? पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। ये हवा चल रही है यार, खुल गया होगा, चलो। हवा चल रही है यार, खुल गया होगा, चलो। यार इतना बड़ा, इतना भारी गेट, इतनी सी हवा से कैसे खुल सकता है यार, मतलब कमाल कर रहे हो भाई। यार ये हवेली 18 साल से बंद है और एकदम से पूरी हवेली चमचमा गई भाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे भाई। और जैसे ही ये लोग आए, ताला अपने आप टूट गया, गेट अपने आप खुल गया, लाइट अपने आप जल गई, फिर भी इन लोग की फट क्यों नहीं रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, इतने में तो आदमी की फट के चार हो जाए। यहाँ से अगर ये लोग एकदम भागने की जगह टेबल के नीचे ही छुप जाते तो ये लोग भी पूरा घूम फिर के लाइट्स बंद करके वापस चले जाते। ये सारी बातें किसी बाहर वाले को पता है? नहीं ना, मुझे कैसे पता, रीत ने मुझे बताया। देखो भाई इसने गलती से खुद ने बोल दिया कि रीत ने मुझे बताया, तो भाई यहाँ खड़े 50,000 लोगों में किसी का भी ऐसा दिमाग नहीं चला कि क्या पता रीत जब जिंदा रही होगी तब उसने ये सारी बातें इसे बताई होगी, क्या पता ये लोग दोस्त ही रहे होंगे, मतलब यार किसी का भी ऐसा दिमाग नहीं चला, कमाल कर रहे हो भाई, धिक्कार है हम पर। तो भाई देख लो यहाँ पीछे सोफे में चार लोग बैठे हुए हैं, और आप इस लाल पगड़ी वाले पे अपना फोकस बनाए रखना, मतलब भाई सीन बढ़िया चल रहा होता है और चलते चलते सडनली पीछे से लाल पगड़ी गायब भी हो जाता है, और कुछ 8-10 सेकंड बाद वो वापस भी आ जाता है, मतलब क्या बात। यहाँ मिरर में रूहान चल के जाना भी चालू कर दिया है, बट एक्चुअली में अभी तक चला ही नहीं है भाई, अभी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे काफी गैप है। अंदर बंदर हंसेगा। ये हंसने वाले बंदर को हंसाने के लिए रिमोट कंट्रोल कार वाला रिमोट क्यों पकड़ी भाई, बंदर वाला रिमोट पकड़ना। और यहाँ पे इस चेयर को झूलते हुए ऑलरेडी आधे मिनट से ऊपर हो चुका है भाई, लेकिन ये चेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और भाई अभी तक भी ये चेयर हिल ही रही है, लेकिन जैसे ही रूहान वहां से उठ रहा होता है सडनली भाई वो चेयर हिलना रुकी जाती है बिल्कुल शांत। भाई मेरे को क्या लग रहा है ना, वो दादी में अभी सही में भूत घुसी हुई है, क्योंकि भाई वो चेयर पहले रुकी नहीं रही थी और अब बिल्कुल ही रुक गई। ये ड्रेसिंग टेबल तो अभी इसको टच हुआ ही नहीं है और ये पहले ही गिर रहा है, वाह। अभी रूहान के मुंह पे भी एक चेन है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे चेन गायब हो गया। भाई ये जिस नोकिया 3310 से सेल्फी ले रहे हैं, मेरा बस एक ही सवाल है कि इसमें सेल्फी कैमरा है। रूहान सभी सोना उतार के इधर उधर फेंक दे रहा है और साइड में मुखिया यही सोच रहा होगा कि अबे साले मेरा सोना मुझे देना, जनता में क्यों बांट रहे हैं। इन्होंने ब्लैकबोर्ड पे पहले 500 लिखा हुआ था, उसको काट के 250 लिखा, फिर 250 को काट के 100 लिखा। अरे तो भाई इतना काटा पेटी क्यों कर रहे हो, पूरा मिटा के सीधा 100 ही लिख दो। तू इतनी आत्माओं से बात करता है, एक बार पूछ तो सही से।
करती क्या कमबख्त मरी? भाई भले ही ये बात इसने नशे में कही हो लेकिन इसके बात में दम है। मैं सोच रहा हूँ हवेली में से किसी ने भी ये बात इससे रियल में क्यों नहीं कही। भाई रूहान तो वैसे ही आत्माओं का देवता बन के बैठा हुआ है, पूरे गाँव में सभी आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो भाई किसी ने भी उससे ये नहीं कहा कि क्या तुम मंजुलिका से बात कर सकते हो क्या, उससे थोड़ी मांडवली होकर करवा सकते हो क्या? रूहान यहाँ पर आते ही गेट खोलने के लिए बराबर सबसे पहले त्रिशूल निकालता है। भाई नहीं, इसको कैसे पता कि गेट खोलने के लिए पहले त्रिशूल निकालना होता है? नहीं भाई, वहाँ पर अंधेरा कितना है, प्लस पिए हुए हैं ये लोग, आधे होश में वैसे ही नहीं है, लेकिन आते ही बराबर त्रिशूल पहले निकालता है भाई। अबे कैसा अजीब आदमी है भाई, जब तक बगल वाली को बीवी बनानी है तो इसके हाथ में थाली रखा ही क्यों यार, कमाल कर रहे हैं। मंजुलिका यहाँ से बाहर जा रही होती है और उसके पापा की आँख खुल जाती है और वो उसको बाहर जाते हुए देख लेते हैं। और यहाँ पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया कि भाई ये हवेली के बाहर मच्छरदानी में क्यों सोया यार, इसको अंदर सोने नहीं देते थे क्या? यहाँ टेबल में खुला हुआ बक्सा पड़ा हुआ है जिसका जो फेस है वो किस तरफ है देख लो, मतलब हमारी तरफ है, ठीक है, लेकिन सडनली दूसरे एंगल से देखने पे बक्से का पोजीशन ही चेंज हो जाता है, मतलब जो फेस हमारी तरफ था वो इस तरफ हो जाता है। अगर इसने यार मैंने जस्ट नोटिस किया अंकल की इतनी बड़ी दाढ़ी के ऊपर एक छोटी सी दाढ़ी और है। दाढ़ी पे दाढ़ी नहीं, एक्चुअली ये दाढ़ी नहीं है, ये मूंछ है। मेरे को याद है ये मूंछ मैं कहाँ देखा हूँ, वो एक चश्मा नहीं आता जिसमें नाक भी लगा होता है और एक छोटी सी मूंछ भी लगी होती है, वैसे ही दिख रहा है भाई ये। इतनी बड़ी दाढ़ी का अपना एक छोटा सा पर्सनल मूंछ। एक मिनट प्लीज डोंट टेल मी कि ये दोनों इसको दिखे ही नहीं, साले अंधे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बोली कि वहाँ कपड़े पड़े थे तो वो पहन ली, लेकिन भाई वहाँ ये कपड़ा आया कहाँ से? क्योंकि जब मंजुलिका को बंद किए थे तब वही तो ये कपड़े पहने हुई थी, तो एक्स्ट्रा कपड़ा कहाँ से आया भाई? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मंजुलिका के ही कपड़े पहनी है? और अगर ऐसा ही है, ये उसी के कपड़े पहनी है, तो मंजुलिका क्या पहनी है? बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं लेकिन भाई ये भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि कोई भूत का कपड़ा इंसान कैसे ही पहनेगा, तो फिर कैसे भाई? और चल वो सब भी हटाओ, लेकिन ये अपने बालों को ऐसा मतलब ऐसा करली कैसे करली? एक मिनट, क्या राइम बैठ है भाई, करली कैसे करली? क्योंकि जब ये अंदर आई थी तब इसके बाल कुछ ऐसे थे और अब ऐसे हो गए, मतलब क्या बात भाई। मानो ना मानो मंजुलिका फुल फैशन डिजाइनर है भाई, अंदर एक्स्ट्रा कपड़े हेयर ड्रायर सब है उसके पास, इनकेस कभी बाहर निकली तो फुल रेडी होके निकलूंगी। जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते तब रूहान गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं, लेकिन इनके जाते जाते में ये गेट अपने आप ही खुल जाता है और अभी ये गेट खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन जब सामने के एंगल से दिखाते तब पीछे गेट तो बंद ही है भाई। यहाँ पर रूहान डांस करते करते अपना चश्मा उतार के फेंक देता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में जब वो डांस कर रहा होता है तब वो चश्मा तो पहना हुआ है। यहाँ पर मंजुलिका उर्फ अंजुलिका चाचा जी को उठाकर फेंक देती है और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि ये चाचा जी को कैसे फेंक दी भाई और क्यों? नहीं, इतनी देर से मैं खुद मंजुलिका बोल रहा था, लेकिन मेरे को खुद अभी याद आया कि भाई वो एक्चुअली में तो अंजुलिका है ना, जो कि अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, तो वो चाचा जी को नुकसान क्यों पहुंचा रही है? अगर वो मंजुलिका होती तो बात अलग थी। यहाँ पर पोटलू रूहान के लेफ्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वो तो राइट में खड़ा है। हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है और हमारी वजह से सबकी जान खतरे में है। एक मिनट मोहतरमा, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, लिटिल करेक्शन, नथिंग एल्स। आप जो बोल रही है हमारी वजह से, सबसे पहले तो हमारी वजह से नहीं निकली है मंजुलिका बाहर, आप ही को चुल थी कि अंदर कुछ नहीं है, आपकी वजह से हुआ ये सब। अभी इसके कमर में कोई भी रस्सी नहीं बंधी हुई है, लेकिन बाद में ये रस्सी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई। यार इस पोटलू को तो पता है ना कि रीत जिंदा है, उसने तो रीत को जिंदा देखा था, बस वो रूहान के डर से किसी को नहीं बता रहा है, तो उसको डाउट नहीं हो रहा कि अगर दीदी जिंदा है तो फिर ये क्या हो रहा है। वैसे रूहान ने आज तक कभी मंजुलिका को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी सपने में एग्जैक्ट करेक्ट वाली शक्ल आई है उसकी। मंजुलिका जब चल रही है तो घुंघरुओं की आवाज आ रही है, लेकिन भाई वो पैरों में पहनी तो है नहीं घुंघरू, तो फिर आवाज आ कहां से रही है? यार मुझे ये हजम ही नहीं हो रहा है कि इतनी भारी महिला को रस्सी से एक अकेला इंसान खींच रहा है भाई, और वो भी राजपाल यादव। और यहाँ पर राजपाल सर के हाथों को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो कुछ ताकत वगैरह लगा भी रहे रस्सी खींचने के लिए। और भाई इसका दीवार में चलने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये रस्सी खींच रहा होता है और वो ऊपर की तरफ चल रही होती है दीवार में, ठीक है, तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को कोई बताओ कि ये यहाँ पे दीवार में साइडवेज कैसे चल रही है भाई? मतलब भाई चलो अगर ऊपर की तरफ जाना है तो रस्सी खींचो और ऊपर जाते, लेकिन वो उसको ऐसे साइड की तरफ चलाने के लिए वो रस्सी को साइड कैसे कर रहा होगा और मैनेज कैसे कर रहा होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। इसमें अगर वो पीछे खड़े होकर रस्सी को साइड की तरफ घिसड़ाता भी जा रहा होगा तो यहाँ बीच में हर्डल्स भी आ रहे हैं, तो उसको क्रॉस कैसे कर रहा होगा भाई? मानो ना मानो ये अच्छी खासी बड़ी मिस्टेक है भाई। बाय द वे जस्ट एक थॉट आया कि ये तो घूमतनी है ना, तो इसकी परछाई क्यों दिख रही है? जनरली दिखती नहीं है ना इन लोग की, मतलब होती नहीं है तो दिखेगी क्या? अभी इसने अपने राइट हैंड में कोई चश्मा नहीं पकड़ रखा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। ये जब यहाँ आता है तब इसके एक हाथ में डंडा भी होता है, लेकिन वही कुछ 25-30 सेकंड बाद जब ये अपने दोनों हाथ ऊपर करता है बालों को साइड करने के लिए, तब भाई इसके हाथ से डंडा तो गायब ही हो जाता है। अबे ये रूहान सीढ़ी चढ़ के कहाँ कहाँ भाग रहा है भाई? भाई तो जिस रास्ते से बाहर से अंदर आया था उसी रास्ते से वापस बाहर की तरफ जाना है, ये ऐसा कहीं पे भी सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के मत जा भाई।
64 भी कहाँ भाई, 60 ही तो रुपए है, 4 रुपए चिल्लर का है। एक मिनट, ये फोन कैसे यूज कर रही है भाई? इसका फोन तो मनाली में टूट गया था ना। ये जो आग लगी हुई है वो उसके हाथ पे, मतलब हथेली पे नहीं लगी हुई है, हथेली के पीछे जहाँ से स्पाइडरमैन का जाला निकलता है ना, वहाँ पे लगी हुई है। लेकिन वही अगले ही पल अब वो जो आग है वो उसके हाथ पे है, यानी हथेली पे, ना कि पीछे तरफ। रूहान डांस करते करते एकदम से यहाँ पर आकर लेट जाता है, लेकिन वही अगले ही पल ऊपर के एंगल से देखने में भाई अभी भी डांस ही कर रहा है। जब ये घुमा के लालटेन फोड़ता है तब लालटेन लेफ्ट की तरफ साइड को चली जाती है, लेकिन अगले ही पल भाई लालटेन तो यहाँ पे है। फिर से भाई चाचा जी को झापड़ मारने की क्या जरूरत थी यार? नहीं, सबसे पहली बात वो आत्मा मंजू की तो है नहीं, पर दूसरी बात अंजू हो या मंजू हो, अभी इसके अंदर तो कोई आत्मा है ही नहीं भाई, ये तो एक्टिंग कर रहा है, तो झापड़ मारने की क्या जरूरत थी भाई? अगर नहीं भी मारता तो वैसे भी किसी को डाउट नहीं जाता। अभी रूहान के पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल पीछे अंकिल प्रकट हो गए। बस इतना ही कॉन्फिडेंस तो चाहिए लाइफ में। जाइए आप लोग। जब ये ऐसा बोली तो मेरे को लगा शायद ये लोग थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर चले जाएंगे, लेकिन ये लोग तो हवेली से ही बाहर चले गए। नहीं, कहाँ जा रहे हो भाई, यहीं रहते हो तुम लोग। तो भी अगर अभी तक भी ट्रिपल आर मिस्टेक वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो भाई। और अगर ये वाली वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।